केंद्र सरकार के मिक्सोपैथी नीति के विरोध में सीतापुर में शुक्रवार को प्राइवेट चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया। इस अवधि में किसी ने भी मरीजों को हाथ तक नहीं लगाया, इससे मरीज और तीमारदार परेशान दिखे। निजी क्लिनिकों एवं चिकित्सालयों पर ताले लटकते रहे और मरीज भटकते रहे। प्राइवेट चिकित्सकों का सरकारी चिकित्सकों ने भी नैतिक समर्थन किया। आईएमए की पुरुष और महिला विंग ने प्रधानमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दिया। आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जेसी गुप्ता, महिला सभा की अध्यक्षा डॉक्टर सालू कपूर, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर डॉक्टर बीके सिंह, अजय मेहरोत्रा, डॉक्टर केडी जोशी, जीपी गुप्ता, अनुराग गोयल, डॉक्टर राजीव कपूर, तरुण सहगल, सुनील बैस आदि चिकित्सक मौजूद थे। ज्ञापन देने वाले डॉक्टर आई इंडिया से बोले, आयुर्वेद व होम्योपैथ के चिकित्सकों की करते हैं इज्जत, पर इस तरह से उन्हें सर्जरी करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि हड़ताल नहीं है, हमारा कार्य बहिष्कार है। सरकार की जो मिक्सोपैथी नीति है उसके खिलाफ हम विरोध में हैं और इसलिए कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। परंतु इसमें भी हम लोग इसेंशियल, इमरजेंसी और कोविड सर्विसेज बंद नहीं कर रहे हैं, ये सर्विसेज दी जाएंगी। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे दिया है माननीय प्रधानमंत्री के नाम से। हमारा प्रयास है कि वार्ता से अगर बात हो जाती है, अगर नहीं सरकार हमारी बातें मानती है, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व आगे के लिए जो भी निर्देश देगा हम उसको मानेंगे। जी, हम लोग डीएम ऑफिस जा रहे हैं ज्ञापन देने। हम डीएम महोदय को ज्ञापन देंगे जो कि प्रधानमंत्री जी के नाम से होगा। हमारी मांगे ये हैं, सरकार ने जो मिक्सोपैथी की है कि बीएमएस डॉक्टर्स को उन्होंने जो परमिशन दी है कि 56 प्रकार के जो ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि एक MBBS MSMD करने MS करने के बाद में करते हैं, वो केवल 6 महीने के ब्रिज कोर्स के पश्चात वो ऑपरेशन करने के लिए सक्षम रहेंगे। तो इसके खिलाफ हमारा ये है कि आप सारी विधाओं को अलग अलग रख करके बात करें। विरोध हमारा किसी भी पैथी से नहीं है। स्थित है कि सरकार ने सभी पैथियों को आपस में जोड़ने का और अध कचरे डॉक्टर बनाने का जो नया कानून पास करने की कोशिश की है, जिसमें आयुर्वेदिक BUMS डॉक्टर जो प्रशिक्षित नहीं हैं उनको सर्जन बनाना, उनको एलोपैथी में छोटा सा एक ट्रेनिंग दे के डॉक्टर बना देने का जो सरकार का प्रयास है, वो हमें IMA को बहुत ही उससे परेशानी है। उससे जो शिक्षित डॉक्टर हैं उनकी और हमारे प्रोफेशन की इमेज बहुत ख़राब होती है। ये अध कचरे डॉक्टर इतना समाज में हम लोगों की, डॉक्टरों की इमेज ख़राब करेंगे और उनसे अपनी विधा तो भूल जाएंगे और हमारी विधा की बदनामी होगी। तो हमारा ये कहना है कि सरकार सभी विधाओं को, हम उनको सम्मान देते हैं। आयुर्वेद एक अच्छी विधा है, होम्योपैथ एक अच्छी विधा है, सभी विधाएं अपने में पूर्ण हैं, सक्षम हैं। तो उनको आपस में जोड़कर इस तरह का जो सरकार का जो सोच है वो हम उसके बिल्कुल खिलाफ है, IMA उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो हमारा ये अनुरोध है कि IMA का कि सरकार इस तरह का जो प्रयास कर रही है उसको बंद कर दे, उससे किसी का भी फायदा होने वाला नहीं है। कोरोना काल में पहले से इलाज कराना मरीजों को कितना मुश्किल हो रहा था, निजी चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार से मरीज और बेहाल हो उठे। डॉक्टर यह तो कहते रहे कि इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं, लेकिन उनके क्लिनिकों के मुख्य द्वार पर ताले लटकते रहे। आप भी देखें कैसे परेशान हुए मरीज। हमको मालूम नहीं था हम सुबह से आए हैं, अस्पताल के गेट पे खड़े हैं, 6 बजे के आए हुए हैं, यहाँ अस्पताल बंद है। यहाँ 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा नहीं होगा, अभी 15-20 मिनट। कहाँ से आए हैं हम? मछरेटा से आए हैं। क्या करना है? दवाई शुगर की लेने आए हैं, धमन के आए तो मेडिकल बंद है। बता, फिर अब कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे मछरेटा दवा लेने। कहाँ? धवन की। कहाँ की दवा लेना है? शुगर की। कहाँ से आए? उमरापुर से। तो कितनी देर से आए हुए हैं आप यहाँ? हो गए 2-4 मिनट। किस प्रकार की समस्या है आपको? शुगर है। मेरा नाम जो है अरविंद कुमार वर्मा है और मैं अल्ट्रासाउंड के लिए आया था यहाँ पे।
थोड़ा दिक्कत थी किडनी, राइट किडनी में, और बहुत ही समस्याएं हो रही हैं इस हड़ताल से। लोगों को भी बहुत ही फ़र्क पड़ा है आज, और देख रहा हूँ मैं इतनी देर से कि कई लोग वापस भी जा चुके हैं। और मैं इस ज़िले में जितने भी अल्ट्रासाउंड हैं लगभग कुछ के पास गया था, तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं। कहाँ से आया? मैं मिश्रिक से आया हूँ, जो कि कस्बा सीतापुर का, और बहुत ही परेशानियाँ हो रही हैं। तो कितनी देर से आप शहर में घूम रहे हैं? मैं लगभग 45 मिनट हो गए हैं घूमते हुए, और मैं यहाँ पे आया हूँ, और बहुत ही निराशा हो रही है, और समस्याएं तो है ही हैं, मेरे साथ भी है। और देखा जाए तो बहुत से लोग आज अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाएंगे, और बहुत से लोग जो हैं पेशेंट्स खुद को नहीं दिखा पाएंगे, तो समस्याएं तो काफ़ी हैं, झेलनी पड़ रही हैं लोगों को। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।